नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं एक और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। दोस्तों यदि आपने PTET का एग्जाम दिया है और दोस्तों यहाँ पे आपने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करवा दी है और दोस्तों आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप अपने चैनल पे बने रहें। दोस्तों तो आज इसी डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा दिया है PTET से संबंधित और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो दोस्तों यहाँ पे GGTU बांसवाड़ा दोस्तों यूनिवर्सिटी है, PTET की कह सकते हैं कि जिम्मेदारी किसके पास है, यहाँ पे GGTU बांसवाड़ा मतलब गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के पास दोस्तों यहाँ पे PTET की जो एग्जाम से रिलेटेड साथ ही काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों यहाँ पे इसकी वेबसाइट पर या दोस्तों PTET जो GGTU बांसवाड़ा है उसके द्वारा यहाँ पे कंडक्ट करवाई जा रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहली दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस जब आपने एग्जाम दिया था और दोस्तों उसके बाद में रिजल्ट जैसे आया PTET का और उसके बाद में यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आया आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करवानी थी। मतलब आपने दोस्तों जो जिन कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करवा दी थी 5,000 रुपये, दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि 25/6/2023 तक ये डिपॉजिट हुई थी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कॉलेज लिस्ट कॉलेज चॉइस भरने की आपको यहाँ पे डेट मिल गई थी 4/7/2023 से 20/7/2023 तक। दोस्तों जिन कैंडिडेट को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गया था और दोस्तों यहाँ पे कॉलेज अलॉट के बाद में उन्होंने फीस डिपॉजिट करवा दी थी दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में, दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग जैसे ही यहाँ पे फीस डिपॉजिट करवा दी थी और उनका तो दोस्तों हो गया, लेकिन जिन कैंडिडेट का यहाँ पे दोस्तों काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करवा दी थी लेकिन उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था दोस्तों, तो उन्हें दोस्तों यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जारी की गई। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक काउंसलिंग लिस्ट दोस्तों हाल ही में जारी की गई, यहाँ पे आप देख सकते हो 8/9/2023 को यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों लेटेस्ट है 8/9/2023 और ये देख सकते हैं दोस्तों एक मुख्य वेबसाइट है PTET की दोस्तों मुख्य वेबसाइट जहां से ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे दे पा रहा हूं। दोस्तों देखते हैं यहां पे कॉलेज अलॉटेड वेटिंग स्टूडेंट, जो वेटिंग स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और रजिस्ट्रेशन वहां पे उन्होंने करवा दिया है दोस्तों, तो वहां यहां पे अपनी जो वेबसाइट है PTET की वहां से लॉग इन करके दोस्तों अपनी आईडी को वहां पे आप देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। यदि आपको दोस्तों कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप एडमिशन जो फीस है वहां पे 22,000 रुपये वहां पे दोस्तों पेमेंट करके और दोस्तों वहाँ पे कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। बात करते हैं कि पेमेंट जो फीस है 22,000 कब से कब डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8/9/2023 से 14/9/2023 तक आप जो फीस है 22,000 रुपये वो दोस्तों यहाँ पे जमा करवा सकते हो PTET की वेबसाइट से डायरेक्ट ऑनलाइन चालान करके दोस्तों, या दोस्तों ऑफलाइन बैंक से चालान करके कैसे भी डिपॉजिट आप करवा सकते हो। मुख्य रूप से दोस्तों ऑनलाइन डिपॉजिट करवाते हैं तो एकदम इजीली हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों रिपोर्टिंग कॉलेज में रिपोर्टिंग की डेट तो बात करते हैं 8/9/2023 से 16/9/2023 तक, मतलब 14 तारीख तक दोस्तों यहाँ पे 14 सितंबर तक आपकी फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट है। यहाँ पे पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है फीस 22,000 रुपये डिपॉजिट होगी और दोस्तों आफ्टर जो अलॉटमेंट है 8/9/2023 से 14/9/2023 तक की बात हो रही है, यहाँ पे फीस डिपॉजिट करवा सकते हो। जैसे आप फीस डिपॉजिट करवा सकते करवा देते हो दोस्तों आप तो आपको यहाँ पे कॉलेज रिपोर्ट करना होगा कब 8/9 से 16/9/2023 तक दोस्तों। यदि 16/9/2023 तक आप रिपोर्ट करते हो कॉलेज में तो आपका यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है दोस्तों, अन्यथा आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए यदि आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है तो दोस्तों कॉलेज अलॉट कैसे हुआ है दोस्तों, वो आप PTET की वेबसाइट पे अपना लॉगिन आईडी डाल के वहाँ से आप पता कर सकते हो आपके आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों मुख्य रूप से आशा करता हूँ मैं दोस्तों आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा। दोस्तों यदि आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है कॉलेज अलॉट से संबंधित तो मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों कोई भी इश्यू हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, दोस्तों इजिली मैं वहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा या उससे संबंधित एक और वीडियो लाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। तो आप बिना देरी के दोस्तों यहाँ पे एडमिशन फीस यहाँ पे यदि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो एडमिशन फीस डिपॉजिट करवा के कॉलेज यहाँ पे रिपोर्टिंग करें जिससे आपका एडमिशन वहाँ पे सुनिश्चित हो सके दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन दोस्तों कैसी लगी, यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।